प्रश्न है, हालांकि विकास के किस क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भावनात्मक, बी शारीरिक, सी संज्ञानात्मक या डी सामाजिक। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए सामाजिक मीडिया, बी परिवार, सी कानून या डी धार्मिक संस्थाएं। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण या नकल करना शुरू कर देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक या डी औपचारिक संक्रियात्मक। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुपालन और दंड अभिविन्यास, बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास या डी यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर संक्रियात्मक या डी औपचारिक संक्रियात्मक। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में खाली जगह की महत्वता पर बल दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सांस्कृतिक उपकरण और दंड, बी ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों, सी ऑप्शन है आपका सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं या डी ऑप्शन जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को अवसर देने चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए सुसाधक ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदार बनने, बी ऑप्शन है आपका आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, सी ऑप्शन है आपका जानकारी संपर्क ज्ञान के वंशवर्ती ग्रहणकर्ता या डी ऑप्शन है आपका अनुदेशक अनुकरणकर्ता। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बी ऑप्शन है अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, सी ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या या डी ऑप्शन व्यवहार का अनुकूलन। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण,
प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, बी ऑप्शन है केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, सी ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, या डी ऑप्शन ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे किस प्रकार का इस्तेमाल करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी युवात्मक मूल्यांकन, सी मूल्यांकन के अनिरंतर रूप, या डी ऑप्शन मानक संदर्भित मूल्यांकन। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, आपके ऑप्शंस हैं, ए छात्र को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, बी ऑप्शन है छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, सी ऑप्शन है शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, या डी ऑप्शन शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, आपके ऑप्शंस हैं, ए कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, बी ऑप्शन कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, सी ऑप्शन दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिया जाए, या डी ऑप्शन छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतः क्रियाकलाप विधियों का उपयोग किया जाए। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक, आपके ऑप्शंस हैं, ए छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, बी ऑप्शन छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, सी ऑप्शन छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अधिगम में क्रियाशीलता, ऑप्शन बी छात्रों में सीखने की योग्यता, ऑप्शन सी स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज के प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।